हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा 1964 में आई फिल्म वो कौन थी से। ये फिल्म राज घोसला द्वारा निर्देशित थी। इस फिल्म में मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा और साधना ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1950 में एक फिल्म लॉन्च की गई थी, जिस फिल्म का नाम राज था। ये फिल्म गुरुदत्त साहब ने लॉन्च की थी। शशि भूषण द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सुनील दत्त रहमान, वहीदा रहमान को लेकर ये फिल्म को लॉन्च किया गया था, मगर 10 दिन की शूटिंग के बाद ही गुरुदत्त साहब ने इस फिल्म को बंद कर दिया। फिर 60 के दशक में गुरुदत्त साहब ने फिर से राज फिल्म के नाम से फिल्म लॉन्च करने की सोची, जिसमें गुरुदत्त रहमान और वहीदा रहमान को लिया गया। फिर फिल्म 10-12 रील ही बन पाई थी कि उस फिल्म को फिर से रोक दिया गया। गुरुदत्त साहब ने किन्हीं कारणों की वजह से इस फिल्म को फिर से रोक दिया। राज घोसला साहब, जो राज फिल्म के सहायक थे, राज घोसला साहब ने एक बार फिर से उसी स्क्रिप्ट को लेकर वो कौन थी फिल्म बनाने की घोषणा की। इसके स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करके उन्होंने ये फिल्म बनाई, जिसमें मनोज कुमार ने भी स्क्रिप्ट चेंज करने में उनकी मदद की। उस समय मनोज कुमार बहुत ही सिलेक्टेड फिल्म करते थे। जब ये फिल्म शुरू होने वाली थी, तभी मनोज कुमार के एक पुत्र हुआ, किसी ने कहा ये फिल्म तुम्हें जरूर साइन करनी चाहिए, ये शुभ है तुम्हारे लिए। फिर मनोज कुमार ने वो फिल्म साइन कर ली और फिल्म तो ब्लॉकबस्टर बनी। साधना को पहले भी राज घोसला लॉन्च कर चुके थे, एक मुसाफिर एक हसीना में उनको रोल दे चुके थे पहले भी, इसीलिए उन्होंने वो कौन थी में भी साधना जी को रिपीट किया, इस फिल्म के लिए उनको साइन किया। फिल्म हिट होने के बाद राज घोसला साहब ने साधना को दो फिल्में और दी, अनीता और मेरा साया। ये भी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म के लिए राज घोसला साहब को एक बदसूरत औरत की जरूरत थी, जो उन्हें कोई मिल नहीं रही थी। एक दिन मनोज कुमार किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और वो बाहर निकले तो उन्होंने एक बदसूरत औरत को देखा भीख मांगते हुए। तो उन्होंने आकर राज घोसला साहब से बताया कि उस होटल के सामने एक औरत, बदसूरत औरत है, आप जाके बात कीजिए। तो उसको ढूंढा जाने लगा उनकी टीम के द्वारा, मगर वो बदसूरत औरत काफी मशक्कत के बाद उनको मिली। उससे उन्होंने बात की और उसको फिल्म में रोल के लिए तैयार किया। उस फिल्म में इस डरावनी औरत को देखकर लोग डरते थे। वो कौन थी फिल्म का संगीत तो बहुत ही मशहूर हुआ था। उस साल फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे मदन मोहन साहब और गाने के बोल लिखे थे राजा मेहंदी अली खान साहब ने। इसके दो गाने तो बहुत ज्यादा ही हिट हुए थे, नैना बरसे और लग जा गले। लग जा गले गीत तो आज भी हर स्टेज पे फीमेल्स गाती हैं, मेल्स भी गाते हैं। लग जा गले गीत की एक और कहानी है। मदन मोहन साहब ने इस गीत को तैयार किया था, मगर जब राज घोसला को सुनाया गया तो उनको ये धुन पसंद नहीं आई। फिर बाद में मदन मोहन साहब ने थोड़ा सा चेंजेस करके उस धुन को फिर से राज घोसला के सामने पेश किया, मगर उनको फिर भी वो धुन समझ में नहीं आई। उसी समय मनोज कुमार की एंट्री हुई उस जगह पे। मनोज कुमार ने भी धुन सुनी। मनोज कुमार ने कहा ये धुन आप रखिए, ये बहुत ही हिट धुन है, ये गीत बहुत ही हिट होगा। तो मनोज कुमार की बात मानकर राज घोसला ने इस गीत को फिल्म में डाला और गीत इतना पॉपुलर हुआ कि आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी फिल्म वो कौन थी से जुड़ी कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।